Hello, bachcho, let's read the given question. The question says an ideal conducting rod is moving under the influence of constant force between two parallel ideal conducting rails. That is a capacitor connected between the ends of the two rails. A uniform magnetic field exists perpendicular to the plane of the rails. Neglecting all kinds of dissipative force and gravity, identify the correct statement. So option 1 given is the velocity of the rod becomes constant after a certain duration. Option 2 given is the acceleration of the rod becomes 0 after a certain instant. Option 3, the acceleration of rod becomes constant immediately after the start of motion. Option 4, both 1 and 2. So to understand the given question, we need to understand about the concept of motional EMF. राइट सो हम बात करते हैं मोशनल ई एम एफ की. सो बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमने बेसिकली दो टाइप के मोशनल ई एम एफ के केसेस पढ़े हैं, वन विथ कैपेसिटर एंड वन विथ द रेजिस्टर. राइट, क्योंकि अभी हमारा जो केस है उसमें दिस इज द केस वेयर कैपेसिटर इज प्लेस्ड. सो वी नो के जब भी कैपेसिटर लगा होता है सर्किट के अंदर विदाउट अ रेजिस्टर, सो दैट रिप्रेजेंट अ स्टडी स्टेट. सो बेसिकली हमें ये स्टडी स्टेट में दिया गया है. अब स्टेडी स्टेट का मतलब यह है कि इसके अंदर चार्ज्ड ये कैपेसिटर जो है ये चार्ज्ड है, एंड उसका जो चार्ज है दैट इज बीन गिवन बाय द फॉर्मूला क्यू इक्वल्स टू सी वी. ठीक है, अब आल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड के वेन एवर अ कंडक्टर मूव परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सो जो बेसिकली ई एम एफ उसमें इंड्यूस होता है इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन ई इक्वल्स टू बी वी एल. जस्ट वी आर रिकॉलिंग एंड लिस्टिंग डाउन द टर्म्स एंड एक्सप्रेशन जो हमें यूज होंगे यहाँ पे. सो एक्सप्रेशन ये होगा ई इक्वल्स टू बी वी एल. राइट, अब यहाँ पे वी कैन सी के क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रॉड आ जाएगा, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से करंट विल बी फ्लोइंग एंड दिस करंट कैन बी रिटन एज आई डी क्यू बाई डी टी. एंड क्यू जो हमें मिला है ऑन द कैपेसिटर. राइट, सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन हम क्या देख सकते हैं कि वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस अबव एक्सप्रेशन और हमें आई की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी. सो दिस आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. ऑल्सो हमें पता है कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराया जाता है, सो इन दैट सिचुएशन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन. अगर हम मान लें कि एक कंडक्टर है राइट एंड इसके अंदर कोई करंट फ्लो है आई, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से के और ये एक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है, सो इन दैट सिचुएशन वी सो नो के ये कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल बेसिकली. सो राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग वी नो के वी हैव टू पॉइंट द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो राइट हैंड पाम फेस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो दीज आर फ्यू बेसिक पॉइंट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ड्यूरिंग मोशनल ई एम एफ जब हम वी हैव डिराइव्ड दिस एक्सप्रेशन बी वी एल, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी के जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड वी कैन सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएंगे एंड नीचे नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएंगे एंड ड्यू टू दैट वी कैन से अ पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड एंड ड्यू टू विच अ करंट विल बी फ्लोइंग इन द कैपेसिटर वी कैन से एंड कैपेसिटर इज इन स्टेडी स्टेट. हर इंस्टेंट पे जब ये पोटेंशियल जैसे जैसे फोर्स आगे आगे मीन्स कंडक्टर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे जो इंड्यूस ईएमएफ है वो भी चेंज होता रहेगा एंड अकॉर्डिंगली वी कैन से द कैपेसिटर विल बी हैविंग एन इंस्टेंटेनियस न्यू स्टेडी स्टेट. राइट, सो दैट इज व्हाट द थिंग इंपॉर्टेंट ओवर हियर टू अंडरस्टैंड दिस. अब बात करते हैं कि जब ये फोर्स लगेगी और ये कैपेसिटर जब ये रॉड आगे की तरफ मूव होगा, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से करंट विल बी स्टार्टेड फ्लोइंग इन दिस सेक्शन. वी कैन से ये जो रॉड है हमारी, इस रॉड के अंदर एक करंट क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, सो अ करंट विल बी फ्लोइंग राइट इन दिस डायरेक्शन एंड जब ये करंट फ्लो होगा तो दिस कंडक्टर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स और ये फोर्स लगेगा कुछ इस तरफ, दैट इज फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली जिसको हम कहेंगे एफ इक्वल्स टू बी आई एल. राइट, एंड ये कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स तो आगे लग ही रहा है. ठीक, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से जो एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है इसका इट कैन बी रिटन एज एफ माइनस बी आई एल अपॉन इफ एम इज द मास ऑफ दिस रॉड वी कंसिडर, सो दिस विल बी द एक्सेलरेशन. अब यहाँ से वी कैन सी दैट के जो वैल्यू है एफ माइनस ऑफ बी आई एल की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, आई की वैल्यू वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम द एक्सप्रेशन डी आई डी क्यू बाई डी टी एंड सिंस वी कैन सी पहले इसको यहाँ पे आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. Now, I is dQ by dt, right? जो चार्ज कैपेसिटर प्लेट पर डेवलप होंगे एंड दैट चार्ज कैन बी रिटर्न एज डी
we can say it has to be C into BVL. अब यहाँ पे we need to be careful, ये जो V है ये velocity है, right? And divide by dt. So यहाँ से जो constant हमें that will can be taken out. So C and accordingly we can say कि dv by dt हो जाएगा हमारा acceleration A, right? So from this we can say जो result acceleration का हमें मिलेगा ma will be equals to b minus of b square l square. I की जगह पे just we are substituting this value in the above expression. So we can say from this b square l square c into a. So from this acceleration की जो value आ रही है हमारे पास, that is coming out to be f upon m plus b square l square c, which is a constant value, right? So in that situation we can say कि acceleration of the rod becomes constant immediately. क्यों कह रहे हम? Immediately just because the capacitor already is in a steady state. So हमारा from this discussion we can say option C या 3 जो होगा is the correct answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.